नमस्कार दोस्तों, रोशन मार्ग यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सफल बने। हर इंसान स्वभावतः एक दूसरे से कंपटीशन करके खुद को ही अन्य से ज्यादा सफल बनाने में लगा रहता है, लेकिन शायद सिर्फ अपनी संतान को हर कोई चाहता होगा कि वह उससे भी कई गुना ज्यादा प्रतिभाशाली, महान और सफल हो। आपने देखा होगा, कोई बहुत अमीर घर में जन्म लेता है तो किसी का बहुत ही गरीबी में जन्म होता है। ये सब उसके पूर्व जन्म के कर्म फलों से निर्मित भाग्य के कारण होता है। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार गरीब घर में जन्मा व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है और अमीर घर में जन्म लेने वाला गरीब हो जाता है। दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र में ऐसी बहुत सी बातें बताई गई हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति के भाग्य के विषय में उसके जन्म के बाद ही जाना जा सकता है। बच्चे का जन्म किस महीने में हुआ है, इससे भी पता चलता है कि वह व्यक्ति कितना भाग्यशाली होगा और उसका स्वभाव कैसा होगा। तो आइए जानते हैं किस महीने जन्मा बच्चा कितना भाग्यशाली होता है। जनवरी फरवरी का महीना। दोस्तों, जिनका जन्म जनवरी और फरवरी में होता है वे बहुत मेहनती होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे छोटी उम्र से ही अपनी किस्मत बनाने में लग जाते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे किसी पर भी भरोसा नहीं करते, जिस वजह से अक्सर उनके साथ धोखा भी होता रहता है, मगर अपने जीवन में वह सफल हो जाते हैं। अपने कड़ी मेहनत और स्वयं अपनी किस्मत लिखने का भरोसा उन्हें जीवन में सफल बनाता है। इन महीनों में पैदा होने वाले बच्चे बहुत खूबसूरत होते हैं और ये इमोशनल भी बहुत होते हैं। इमोशनली हर्ट होने पर इन्हें दुख से बाहर आने में लंबा समय लगता है। मार्च और अप्रैल का महीना। जिन बच्चों का जन्म मार्च या अप्रैल में होता है वह बहुत ही क्रोधित होते हैं। इनके अंदर बहुत आक्रोश भरा होता है और अपनी किस्मत बनाने के लिए यह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। ये अपने इमोशंस को छुपाकर रखते हैं। इनके मन का पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इनकी याद रखने की क्षमता काफी होती है और लेटेस्ट सूचनाओं से अपडेट रहना पसंद करते हैं। इन लोगों की खेल, संगीत और घूमने फिरने में अच्छी खासी रुचि होती है। मई और जून का महीना। मई या जून के महीने में जन्मे बच्चे बहुत भोले भाले होते हैं। यह किसी की भी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं, जिस वजह से इनके साथ बहुत ज्यादा धोखा भी होता है। इस तरह के बच्चे वक्त के साथ या तो दुनिया के कल्याण के रास्ते पर चलते हैं या फिर बहुत बार धोखा होने की वजह से अधर्म के रास्ते को भी चुन लेते हैं। जुलाई और अगस्त का महीना। दोस्तों, जुलाई और अगस्त के बीच सावन का महीना होता है और यह भगवान शिव का महीना माना जाता है। जिन बच्चों का जन्म जुलाई से अगस्त के महीने में होता है वह बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चों का व्यक्तित्व बड़ा सरल होता है। वह बहुत ही सुखद जीवन जीते हैं। वह दूसरों की सेवा करते हैं और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी भी ढूंढ लेते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे दूसरों के कल्याण के लिए बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। ये बच्चे अपने माता पिता के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे दुनिया भर से ख्याति बटोरते हैं और हर किसी की दुआ लेकर आगे बढ़ते हैं। सितंबर और अक्टूबर का महीना। सितंबर और अक्टूबर महीने में जन्मे बच्चे बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। इनका व्यक्तित्व जितना आकर्षक होता है उतना ही इनका मन भी खूबसूरत होता है। इस महीने में जन्मे बच्चे ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और निष्पक्ष रूप से बिना किसी छल कपट के अपने कार्य को करते हैं और सारे फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देते हैं। इस महीने में जन्मे बच्चे अपने माता पिता,
भाई बहन, पत्नी पुत्र जैसे परिवार के सभी सदस्य के लिए गर्व का कारण बनते हैं और उन्हें अच्छे से संभाल पाते हैं। नवंबर और दिसंबर का महीना। नवंबर और दिसंबर महीने में जिन बच्चों का जन्म होता है वे बच्चे अपने विचारों में स्थिर रहते हैं और ये दूसरों की भावनाओं को बहुत आसानी से समझ जाते हैं। इन्हें अपने परिवार से अधिक देशभक्ति और देश का ख्याल ज्यादा रहता है। ये दूसरों के प्रति प्रेम भाव ज्यादा रखते हैं। इनके जीवन में भी बहुत से संकट आते हैं परंतु दूसरों की मदद से इनका जीवन सफल हो जाता है। इस महीने में जन्मे लोग दूसरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इन्हें अपने माता पिता का भी असीम आशीर्वाद मिलता है। यह लोग अपने माता पिता की सेवा करने में भी कोई कमी नहीं रखते हैं। आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं। अगली मुलाकात किसी अन्य ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के साथ पुनः होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।